जब मानस को आकर्षित करने वाले आपके दिलचस्प विज्ञापन लोगों पर सार्थक प्रभाव डाल रहे हैं। विद्या बालन जी, मुझे ये मौका मिला जागरण पहल और बेतौर स्वच्छ बनेगा इंडिया इस पहल की वजह से, इस मुहिम की वजह से। वैसे तो बिहार में पहला विश्वविद्यालय है। बिहार में बहुत सारे आंदोलन और मुहिम की पहल हुई है। मैंने सुना कि सुलभ शौचालय की भी मुहिम की पहल भी बिहार में ही हुई थी। तो इस वजह से स्वच्छता दूत के रूप में मुझे यहाँ आकर बेहद खुशी हो रही है। और हाँ, आते ही मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे पूनम जी का कॉल आया है, जो शत्रुघ्न सिन्हा साहब की दीदी हैं। खुशी इस बात की भी है कि जिनके वजह से मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी सैनिटेशन की, जयराम रमेश जी, वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम को जिंदा करने जिसकी बहुत जरूरत थी। आप में से बहुत लोग सुनते होंगे, मैं कहता था जब कुछ लोग गलत अर्थ निकालते थे इसका, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा आशय है कि बढ़िया सा मानव मंदिर का निर्माण हो। तो निर्मल भारत अभियान का प्राथमिक मकसद ये था कि 10 साल के अंदर हमारे 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत हैं, वो खुले में शौच मुक्त बने। बिना सरकारी सहायता से, जैसे स्वामी जी ने कहा, अपने ही प्रयासों से अपने गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाया। पटना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। जैसे कहा कि स्वागत ही अच्छे खाने से हुए। नालंदा, सब कुछ तो है यहाँ। अब हर किसी के पास शौचालय भी हो। बस शुक्रिया।